पीटीआई न्यूज़, पड़ताल हर खबर की। एक साल में इस विकास दुबे के पीछे लोगों की जिंदगी नरक हो गई। कम ये दो तारीख को सुना आपने, ये वही विकास दुबे के करीबी शशिकांत की पत्नी है जो लगातार मीडिया और पुलिस को गुमराह कर रही थी। अब इनका हत्या के तुरंत के बाद का ऑडियो लीक हो गया है जिसमें ये विकास के भाई और भाभी से पुलिस वालों की लाश होने की बात कर रही हैं। अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेलो 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 भाभी। हाँ जी, कह रहे हैं भाभी वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे, और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए, क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी। तो वो लोग हैं कौन भैया? भाभी वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ। नंबर से डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता हम तो अंदर थे, बता फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। भैया भाभी ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया, तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे पापा पर, सब लोग भाग गए हैं। तो कदो आया ही नहीं वो वहाँ पे डाउन की डबल शिफ्ट थी। नहीं तो वहाँ से तो पता ही चल जाएगा। तो कदो कि वो कहाँ गए हमको बताया नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं किया हमको। उनसे कहते तो हमने हमें फोन ही नहीं किया पति देव ने। अब ये तो आप बता रहे हैं कि वो वहाँ नहीं है। और ये बताइए, अगर हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दे तो मोबाइल की लोकेशन नहीं पता चलेगी ना, ये अपना भी मोबाइल यही छोड़ गए। तुम बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दो। सिम निकल नहीं पाएगा। स्विच ऑफ कर दे भैया, कर दो स्विच ऑफ ही कर दो भाभी। डिलीट कर दो नंबर ही मिला। पहले तुम नंबर मेरा वाला डिलीट कर देना, और जो भी सोनू ने फोन किया वो उनको डिलीट कर देना नंबर, ठीक है? हाँ हाँ। और बस तुम ऐसे ही रख दो, फोन स्विच ऑफ मत करो, तो फिर कहेंगे फोन स्विच ऑफ आपने क्यों किया। नहीं तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे आंगन में आदमी मारा गया, तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया। वो यही कहो बोलने लगे, हम फोन ही हटा देना कि मेरे पास फोन ही नहीं था। हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। हम कहते कि मेरे पास फोन ही नहीं था। ठीक 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 है ठीक ठीक। भाभी क्या होगा, तुम खुद परेशान हो, भगवान सब ठीक करेगा, तुम शांत रहो। अगर मौका मिले तो तुम निकल जाओ उधर से। कैसे कहाँ निकल जाओ, अभी रात में कहाँ के लिए। मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, कहाँ से इसको क्या छोड़ेंगे। तुम भगवान सारे लोग, भगवान सब ठीक करे, तुम शांति रख पाते। हाँ बस कदम वो तो ड्यूटी, हम खुद उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते। भाभी हम पहले नंबर सारे डिलीट कर दे। आपके हस्बैंड आज पकड़ गए, क्या कहना है? हमें नहीं पता AK-47 वगैरह के बारे में, बस जैसे उधर गोलियां चली थी इनके खिलाफ, कभी कोई मम्मी ने इन लोगों से हमेशा दूर रखा है विकास दुबे और इन लोगों के उससे इनको, तो बस मम्मी ने कहा है बाबू भाग जाओ, है बाबू भाग जाओ, इनको मम्मी ने दरवाजा खोल के भगा दिया। हमने अपने बच्चों को बंद कर लिया अपने कमरे में, और हमें कुछ हमें अभी तक हमको ये विश्वास था ये जहाँ होंगे बस ये सेफ होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा मन कह रहा है इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, आज तक नहीं किया तो अब क्या करेंगे गुनाह। एक साल में कोई अपराधी बन जाता है। हम लोग का कि कोरोना ना आया होता तो भैया आप सब यहाँ चले गए होते, आरएसपी वालों ने इनका किराया पास कर दिया था, हम सब यहाँ चले गए होते। बस भैया इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनको पुलिस ने पकड़ लिया, क्या लगता सही है गलत है? भैया हम तो खुद भी चाह रहे थे कि पुलिस पकड़ ले, क्योंकि पुलिस पकड़ेगी इंक्वायरी होगी तो ये छूट जाएंगे, इंक्वायरी में सब कुछ साफ हो जाएगा। उस दिन भी ये जॉब करके आए थे, इंक्वायरी में सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन पुलिस का तो कहना जो AK-47 पुलिस की लूटी गई थी वो आपके पति के पास से बरामद हुई है। भैया हमको ये सब कुछ नहीं मालूम, AK-47 फलाना डिमका में ये सब कुछ नहीं मालूम। बस हमें जो मालूम था हमने एक एक शब्द जो बताया इंक्वायरी करने में वो एक एक शब्द सच निकलेगा बस, और हमें कुछ नहीं पता। हमने 5 दिन से अखंड जोत जला रखी है, अगर भैया में सख्ती होगी तो सच सामने आएगा। हम खुद ही कह रहे थे कि मेरा हस्बैंड पकड़ा जाए, जल्दी से जल्दी इंक्वायरी होगी, जल्दी से जल्दी छूट जाएंगे और पापा का काम करें यहाँ करके, क्योंकि मम्मी अभी भी बिंदी लगाए बैठी है, मम्मी अभी भी विछिया पहने बैठी है। क्या वो निर्दोष है क्या? मेरे हस्बैंड बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, पता चल जाएगा सब कुछ। मेरे हस्बैंड तो जॉब करते थे, प्लाट भी खरीद लिया था मेरे हस्बैंड ने, किराए का कमरा भी दे दिया था। इसने धमकी दी थी कि साले 4 खंड सिखवा देंगे इसने, हमने सबको एक एक शब्द बताया, इसने धमकी दी थी मेरे हस्बैंड। हाँ
कमरा दे दिया है तो ये हुआ तुम जाने वाले हैं जुलाई में। किसने धमकी दी थी? किसने धमकी दी थी? विकास दुबे ने धमकी दी थी। क्या धमकी दी? अमर तुमने 7 दिन तक धमकी दी थी कि साले चुक्कियों में झारखंड फिकवा देंगे। मेरे हस्बैंड ने तो 1500 का कमरा भी दे लिया था चौबेपुर में। हम नहीं मान सकते ये सब। नहीं मान सकते, पुलिस ने लगाई है। तो सुना आपने इस ऑडियो क्लिप में किस तरह शशिकांत की पत्नी मनु काफी घबराई हुई दिख रही हैं और उस रात के पूरा घटनाक्रम के बारे में बता रही हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बता दें इसी बीच मंगलवार को कानपुर पुलिस ने घटना के बाद से फरार चल रहे 50,000 के इनामी शशिकांत दुबे उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। शशिकांत ने कैमरे के सामने स्वीकार किया है कि गोली जबरदस्ती विकास दुबे ने चलवाई थी। शशिकांत ने बताया कि घटना को अंजाम देने वालों में मैं, अमर दुबे, विकास दुबे, प्रभात मिश्रा, अतुल दुबे शामिल थे। विकास ने हमारे ऊपर दबाव ही बनाया कि तुम गोली नहीं चलाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। खैर अब देखना होगा पुलिस की जांच में विकरू हत्याकांड में और कितने खुलासे होते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ATI न्यूज के साथ। ATI न्यूज पड़ताल हर खबर की।